वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों के कोई डाउट आने लग गए हैं, जैसा कि आपको पता है आप लोगों के एडमिट कार्ड पास आने लगे हैं, तो आप लोगों के अंदर दोस्तों एक सबसे बड़ा डाउट देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है हमें आप लोगों को हर बार बताने की जरूरत पड़ी है कि सब कुछ हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेट का क्या रीज़न है, रेट लगी है तो रेट नंबर अभी तक हमें क्यों नहीं बताया गया, क्या रीज़न हो रहा है कि रेट नंबर नहीं बताया जा रहा है। तो इस डाउट को लेकर दोस्तों मैं आज आप लोगों के स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आप लोग ये भी पूछे थे सर्विस स्टे लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखिएगा। उसके बाद दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो दोस्तों सबसे पहला आप लोगों का डाउट है रेट लगी है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक दिन दोस्तों जब रेट नहीं लगी थी 21 को, तो हमने आपको बता दिया था रेट नहीं लगी। लेकिन दोस्तों जब रेट लगी तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रेट जो है वो लग चुकी है सक्सेसफुली, दोस्तों रेट लग गई है। अब आप लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो कि रेट नंबर बता दो, रेट नंबर बता दो। दोस्तों मैं मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। रेट नंबर पता है कब मिलता है? आप लोगों में से किसी को पता ही नहीं होगा। रेट नंबर जब मिलता है जब किसी केस की पहली सुनवाई हो गया है। एक बार जब पहली सुनवाई हो जाती है उसके बाद दोस्तों रेट नंबर मिलता है। जैसा कि आपको पता है कोर्ट अभी बंद है, रेट लगना ठीक है, रेट तो लग जाती है, रेट लगेगी, लेकिन रेट नंबर कब मिलेगा उसका जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो पहली सुनवाई होने के बाद होता है कि रेट एक्सेप्ट हो गई है, रेट नंबर अब ये रेट नंबर जो है मिल चुका है। तो जब रेट नंबर मिल जाएगा, तो जब पहली सुनवाई हो जाएगी रेट नंबर मिल जाएगा। तो इसको लेकर के दोस्तों आप बात को समझ जाया करो, रेट तो लगी है लेकिन रेट जब एक पहली सुनवाई हो जाएगी उसके बाद हमें जो है रेट नंबर मिल जाएगा। जो भी रेट नंबर होगा हम आप लोगों को बताएंगे, उसका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो रेट नंबर पहली सुनवाई के बाद मिलता है। अभी आपको बताया कोर्ट बंद है, तो बात को समझिए, जो रेट नंबर जैसे ही कोर्ट खुलेगा पहली सुनवाई होगी उसके बाद हमारा रेट नंबर मिल जाएगा। आई होप कि आपका दूसरा डाउट बिल्कुल। तो तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का मुझे देखने को मिलता था क्या अब स्टे लगेगा। अब आप लोगों का डाउट है स्टे लगेगा अगर डबल बेंच में दोस्तों हमारा डिसीजन गया है, और डबल बेंच में दोस्तों डिसीजन जो हमारा जाएगा और वहां से जो निर्णय आएगा, जो भी वहां से अगर प्रोसेस होगा क्या होने वाला है, रेट एक्सेप्ट हो जाएगी और अगर कानूनी तौर पर दोस्तों हमारी रेट को मान लिया एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसके लिए आगे प्रोसेस किया जाएगा, आगे सुनवाई होगी, तो 110% जो 6 जनवरी को होने वाली परीक्षा दोस्तों उस पर स्टे लगेगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कल मैंने आपको हिमांशु गंगवा जी से बात करवाई, हिमांशु गंगवा जी स्पेशल दोस्तों हमारे चैनल पर आए, फिर उसके बाद अलग अलग चैनल वालों ने उसी वीडियो को एडिट कर करके डाल दिया। तो टेंशन मत लो, जो भी हम आपको दिखाते हैं रियल एंड ऑथेंटिक देने की कोशिश करते हैं, जो रियल होगा वही हम आपको बताएंगे, रियल नहीं होगा तो हम आपको नहीं बताएंगे। तो आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। दोस्तों रेट लगी है, बिल्कुल लगी है, रेट नंबर क्या है, रेट नंबर पहली सुनवाई के बाद मिलता है, पहली सुनवाई जब होगी आप अगले दिन मुझसे रेट नंबर ले लेना। और दोस्तों अब स्टे लगेगा, स्टे की गारंटी ये देता हूँ मैं आपको, अगर एक बार दोस्तों हमारी रेट एक्सेप्ट हो गई तो स्टे तो 110% लग जाएगा। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।